now that we are in this food capital of India and Chandni Chowk, which is the food capital of Delhi, so sabse pehle Akshita, what comes to your mind? Aloo tikki chaat, butter chicken, samosa, paratha, momo, jalebi. अरे मुंह में पानी आ गया. ये होता सबसे पहले क्या खाओगी? Something sinful and fried and just absolutely unhealthy. क्या बात है, चलिए आपका सरोवर कराते हैं, आपको रूबरू कराते हैं अच्छे बढ़िया देसी घी में तले हुए मुस्कुराते हुए पराठों के साथ. जो मेरा फेवरेट पराठा है, दैट इज समथिंग दैट आई कैन प्रोबेबली eat like 10 a day. But that's like a meetha paratha. Ah, this is the nice stuff. You know what, these days they make it out of rabdi. But pehle kya hota tha, ye khurchan se banta tha. Khurchan matlab jab doodh ko kaadte hain to niche doodh lag jata hai. You know, then you scrape it off and stuff it. So when they used to make rabdi here, the rabdi that was stuck at the bottom was scraped off and then stuffed into these parathas, and because there was only so much left at the bottom, there used to be a fight for these paratha. Ek khurchan utni bachti hai na. Akshita, khurchan ke parathe ko dete hain ek twist. Ab bari hai us amazing khurchan paratha recipe ko recreate karne ki ek twist ke saath. Banate hain kuch kachori jaisi potliyan khurchan ke saath. मैदे में हम वैसे ही मोइन डालेंगे जैसे हम नॉर्मली डालते हैं. नॉर्मली वी पुट 1/3 ऑफ शॉर्टनिंग और फैट इन अ कचौड़ी. यहाँ पे हम थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, और ज्यादा डालने का कारण ये है बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी मोर ऑयल टू फ्राई इट. पंजाब का देसी घी, इसको अच्छे से रब कर लेंगे, फैट को अच्छे से मिला लेंगे, और इसके बाद इसमें अक्षता डालेगी ठंडा पानी. तो अपना घी से महका हुआ डो तैयार है. नाउ वी लीव इट टू रेस्ट, और अब बनाते हैं इसकी फिलिंग. जस्ट टेक ऑल द नट्स यू हैव इन योर किचन एंड चॉप देम अप. वी मिक्स द कलाकंद विद द नट्स. सो दिस इज द फिलिंग, दिस इज द डो. वी गो बैक टू द डो, वी टेक इट अप एंड वी रोल इट. सवाल, क्यों भाई पराठे को पराठा क्यों कहा जाता है? पराठे में परतें होती हैं, परतें एज इन लेयर्स, लेयर्स है ना, और वो पराठा जो आटे का बनता है, सो परतों वाली चीज जो आटे की बने, परत आटा, आटा ओ पराठा. अब इसके बाद हमने इसमें डाली फिलिंग और इसको हमने सब तरफ से खींच दिया और ऐसे इसकी बना ली खूबसूरत सी पोटली. को प्रीहीट करेंगे 180 डिग्री पे, 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत अच्छा प्रीहीट हो जाता है. एयर फ्रायर इज प्रीहीटेड. नाउ वी ड्रॉप आवर कचौड़ी और नाउ वी आर गुड टू गो. अगर आप चाहें तो इसके बाद भी हल्का सा ऑयल ड्रिजल कर सकते हैं ताकि कचौड़ी पे शाइन आए. हल्के से ऑयल से कोई फर्क नहीं पड़े. चलो सर, अब हमने इसको सेट किया है 6 मिनट के लिए 180 डिग्री पे. 6 मिनट्स 180 डिग्री एंड देन वी आर रेडी फॉर द मैजिक. नाउ इट्स टाइम टू प्लेट. और प्लेटिंग के लिए ओहो रणवीर, दिस लुक एग्जैक्टली लाइक दे एक्चुअली फ्राइड लाइक. और अब करते हैं प्लेटिंग. यूज अ लिटिल बिट ऑफ रबड़ी. मतलब अगर इतनी मेहनत करी है आपने खाना बनाने में, तो थोड़ी मेहनत जो है गिव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू द प्लेटिंग एज़ वेल.